आज के डिजिटल दौर में विद्यार्थियों के हाथों में मोबाइल, टैबलेट व कंप्यूटर आने की वजह से बड़े ज्ञान का दायरा बड़ा हो गया है, मगर डिजिटल दुनिया में वे सही ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या इंटरनेट पर गलत वेबसाइट पर अपना ध्यान लगा रहे हैं, इसके बारे में पता लगाना मुश्किल है। इस डिजिटल युग में बच्चों में किताब पढ़ने में उन्हें किताबों के जरिए सही ज्ञान देकर न केवल बंद दुनिया के दरवाजे खोलने बल्कि उन्हें किताबों से दोस्ती करवाने के लिए पंजाब शिक्षा विभाग की तरफ से नई पहल की जा रही है। इसके तहत पूरे पंजाब में शिक्षा विभाग 15 जुलाई से 15 अगस्त तक लाइब्रेरी लंगर के रूप में मना रहा है, जिसके तहत हरेक स्कूल प्रबंधन को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह सालों से लाइब्रेरियों की अलमारियों में बंद पड़ी ज्ञानवर्धक किताबों को अलमारियों से निकालें और बच्चों की पाठन कैपेसिटी के अनुसार उन्हें पढ़ने के लिए किताबें दी जाएँ, ताकि अलमारियों में सालों से बंद ज्ञान के इस खजाने को बच्चों के साथ साझा किया जा सके। ये जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स रेलवे मंडी में आया हूँ, इसमें जो पुस्तक मेला कह लो या पुस्तक लंगर लै लो, ये साढ़े मानयोग सिक्ख्या सकत्र जी ने 15 अगस्त तक जोड़ा है असं कवर करना है पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा जिला। इस वे तुसी देख रहे हो जिन्नी भी किताबा साढ़े को लाइब्रेरी सू सरकार ने भेजिया हुई हैं, जो साढ़े मैं बड़ा अच्छा लगा भी रोटरी क्लब हुशियारपुर वाले ने भी किताबा लैके आए हैं बच्चों वास्ते, उन्होंने हैंडओवर कीतिया ने। सो जिन्नी भी किताबा साढ़े को लाइब्रेरी पईं हुई ने, असं 15 अगस्त तक सारिया जी किताबा बच्चों हैंडओवर करा और बच्चे जोड़े है पढ़ के जरा फिर दोबारा वापस टीचर को जमा करवाएंगे और टीचर जोड़ा है उन्होंने एक्सचेंज करके दूजे बच्चों को दिता जाएगा। इस जो सारे बच्चे ने सारे स्कूलों के बच्चे ने वो अच्छा जरा ज्ञान प्राप्त करे और नैतिकता के गुण आने समाज के जो भी कृतियां चल रही ने उन्होंने भी जागरूक हो। मैं देखिए सारिया टेबल के उत्ते जिन्नी भी बुक्स लगिया हुई ने बहुत वधिया बुक्स ने, बड़ी कीमती बुक्स ने, पर बच्चे जो भी पढ़ने इन्हों के ज्ञान में भी वाधा होगा और इन्हों का जोड़ा है मेंटल लैवल भी बढ़ेगा। देखिए बच्चों की एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि जो चीज़ उनको हम क्लोजली दिखाएं पास से दिखाएं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नो डाउट लाइब्रेरी में हम बुक्स रखते हैं, हमारा एक रोज़ लाइब्रेरी का पीरियड होता है, वहाँ पर हम बच्चों को लाइब्रेरी की पढ़ाई करनी सिखाते हैं, बुक्स पढ़नी सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन आज जो लंगर लगा हुआ है, स्टॉल पर बुक्स लगी हुई हैं, बच्चे देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं कि जो हमारे लिए हमारा स्कूल हमारा जो हमारी सरकार है हमारे लिए इतने प्रयत्न कर रही है, वाकई ही बुक्स पढ़ना हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। तो आप देख रहे हो आज कितने बच्चे खुश हैं, कितना मतलब इजीली रीडिंग कर रहे हैं, फोर्सफुली नहीं कर रहे, आप देख रहे हो बच्चे कितना खुशी खुशी ये लाइब्रेरी की किताबें पढ़ रहे हैं। मैं हमारे मान जो डीओ साहब का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे स्कूल में पहुँचे हैं और हमारे बच्चों को इनकर्ज किया है पढ़ाई के लिए, रीडिंग के लिए। आई एम हरमिंदर कौर फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे मंडी हुशियारपुर। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बुक लंगर विच इज ऑर्गेनाइज इन अवर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। There are many types of story books that are provided to us and we are very lucky to have this in our school. There are many types of books that teach us moral values and ethical values and we are very lucky for it and we are very thankful to our principal ma'am for this because all these books also help us to prepare for various types of competitions and it also help us to spend our time in a productive manner. So we are very thankful to our principal ma'am and all the school teachers to provide us for it. Thank you. पुस्तकें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इससे हमें कई ज्ञान में वृद्धि होती है। हमारे यहाँ कई प्रकार की पुस्तकों का लंगर लगा है, इसमें कई कवियों तथा कवित्रियों की पुस्तकें हैं मौजूद हैं जो हमें हर कोई परीक्षा देने में सफल करती हैं। मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि पहले जहाँ पर किताबें ऐसे ही हमारे अलमीरा वगैरह में पढ़ी जाती थी तो कोई भी उठाने की उन्हें क्वेश्चन करता था, जब जैसे लंगर लगा है तो जो सभी बच्चे हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनको होता है कि नई नई किताबें हम पढ़ें, इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि भी होती है। जो भिन्न भिन्न प्रकार के मुकाबले होते हैं उनसे हमारी इन किताबों से हमारी तैयारी भी होती है। इसके अलावा हम और भी जो रोज़ हमारी अखबारें आती हैं या फिर मैगजीनें आती हैं उनसे हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं आदि के बारे में पता चलता है। और जो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कवियों की किताबें लेखकों की किताबें उनके जीवन के जो गुण हैं उन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर अपने आप को भी सफल कर सकते हैं। क्योंकि पहले जहाँ पर किताबों की कमी होने के कारण कई बार एक बच्चा वो ले जाता था, दूसरे बच्चे को वो किताब उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन अब वही किताब जो कि बहुत सारी किताबें हैं तो कोई भी बच्चा उसे ले जा सकता है जितने भी दिनों के लिए, इससे मतलब कि बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। जागृति लहर के लिए हुशियारपुर से कैमरा पर्सन सर्वजीत राणा के साथ विकास सूद की रिपोर्ट।